पर स्त्री को एक जैसा बताया। इसी तरह कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि औरत मनहूस होती है, लोगों की कह रहा हूँ, ठीक, मनहूस होती है, उसको अकल नहीं होती, बेवकूफ़ होती है। हालांकि गलत बात है, हम जानते हैं औरतें मर्दों से भी कई बार होशियार होती है, बेवकूफ़ होती है, मनहूस होती है, अपवित्र होती है औरत ज़ात, ठीक, शैतान की पैरोकार होती है और जन्नत से निकालने की वजह बनी। इस्लाम की ऐसी कोई आस्था नहीं, याद रखी, इस्लाम की ऐसी कोई आस्था नहीं है कि जन्नत से निकलने की वजह जो है हव्वा बनी, ऐसी कोई इस्लामी आस्था नहीं, याद रखी। आगे मैं बात को जो है रखूँगा। और उनके मुताबिक जो औरत जो है जो उसको संतान जन्म लेती है, ये संतान का जन्म लेना ये शाप है उसको, ये तकलीफ़ है उसको, ये कठिनाई है उसको, इसलिए कि उसने जन्नत से मर्द को निकाला था। इस्लाम की ऐसी कोई आस्था है ही नहीं। और इस्लाम तो ये कहता है कि जन्नत में आदम ने और हव्वा ने, एडम और ईव ने, दोनों से गलती हुई, दोनों ने क्षमा मांगी, दोनों को क्षमा किया गया, दोनों को पृथ्वी भेजा गया। ये नहीं कहा कि ये जो हव्वा थी फलां थी, ईव थी, नहीं, याद रखी, इस्लामी अकीदा इस्लामी धारणा नहीं। ना इस्लाम कहता औरत मनहूस है, ना बेवकूफ़ है, ना जो है वो जो है पवित्र है, और ना ही जो है वो जन्नत से निकालने कोई कारण है। इस्लाम ने तो उसको मोहसिना कहा, नेकी की तरफ बुलाने वाली कहा। इस्लाम ने तो जो बच्चा जन्म ले रहा है उस जन्म की कठिनाइयों की वजह से माँ का दर्जा, माँ का मर्तबा, माँ का मुकाम तो तीन दर्जे बाप से बढ़ा दिया ऊंचा। तो इस्लाम की ये धारणा नहीं, याद रखी। लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने चूंकि इस चीज़ को माना, चूंकि उनके पास ये सब चीज़ें हैं, उनको लगा हाँ इस्लाम में भी ऐसे ही होंगे, तो लिहाजा वो यही समझते हैं। तो ये थे कुछ अधिकार जो जो धार्मिक है और दोनों इस मामले में बराबर है, कहीं ऊंच नीच नहीं। आइए दूसरे अधिकार